शामिल होंगे पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। दिल्ली में दोनों रेसलर थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिलाएंगे सदस्यता। दोनों को चुनावी रण में उतार सकती है कांग्रेस। बजरंग पुनिया को सोनीपत की एक विधानसभा सीट, वहीं विनेश के पास चरखी दादरी, जुलाना और बढ़ाड़ा से चुनाव लड़ने का होगा विकल्प। सूत्रों के मुताबिक बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। तो सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन यह खबर है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस में आज शामिल होंगे बजरंग पुनिया, पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। दिल्ली में दोनों रेसलर थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिलाएंगे इन दोनों को सदस्यता। तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं दिल्ली में। मल्लिकार्जुन खड़गे इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। बजरंग के बारे में खबर आ रही है कि सोनीपत की एक विधानसभा सीट से बजरंग पुनिया चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों से जानकारी यह भी आ रही है कि बजरंग पुनिया को फिलहाल संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब इन दोनों में से कौन सी बात सच साबित होती है उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बजरंग को क्या सोनीपत से एक विधानसभा सीट से टिकट मिलता है, क्या वो उम्मीदवार बनाए जाते हैं या फिर उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही साथ विनेश फोगाट के पास जो विकल्प बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक चरखी दादरी, जुलाना और बढ़ाड़ा से चुनाव लड़ने का विकल्प होगा विनेश फोगाट के पास। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। यानी कि जो चुनावी मैदान है, जो चुनाव में नूरा कुश्ती होती है, उसमें अब जो रियल रेसलर्स हैं, जो सचमुच के पहलवान हैं, वो अब अपना दाव आजमाते नजर आएंगे हरियाणा के इस चुनावी मैदान में। तो चुनावी मैदान में अब कुश्ती होगी अगर ये दोनों के दोनों चुनाव लड़ते हैं। आज ये कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं इस बात की लगभग जानकारी पुख्ता हो चुकी है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ये दोनों के दोनों आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और खबरें तो यहां तक आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि आज ही दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इन दोनों को सदस्यता दिलाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये दोनों के दोनों पहलवान आज कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। क्या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों के दोनों क्या विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे? क्या कुश्ती का दाव पेच चुनावी दाव पेच के रण में तब्दील होगा? तो फिलहाल जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक अभी यह खबर है कि बजरंग पुनिया भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक जानकारी यह आ रही है कि बजरंग पुनिया को संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने रिपोर्टर रवि मिश्रा से। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, हमें यह बताएं कि क्या जानकारी मिल रही है। पहले तो आप यह बताएं कि क्या इन दोनों का कांग्रेस में शामिल होना लगभग तय हो चुका है या अभी भी कुछ किंतु परंतु बाकी है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बहुत समय से ये आसार लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी कई तस्वीरें आई, उन्होंने मुलाकात भी की, मगर स्थिति कुछ साफ नहीं हो पाई थी। मगर बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि राहुल गांधी से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया मुलाकात करते हैं, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के पास वो जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, तो कयास और बढ़ जाते हैं। मगर आज जो जानकारी प्राप्त हो रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक, बता दें आपको कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो इनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि कयास तो बहुत लंबे समय से लगाए जा रहे थे। विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं बात करें बजरंग पुनिया की तो उनको संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो पार्टी की सेवा करते हुए नजर आएंगे। मगर सवाल विनेश फोगाट का है, जिस तरीके से उन्होंने ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम लहराया और जो कंट्रोवर्सी में वो फंसी, उसके बाद पूरी देश की सहानुभूति उनको प्राप्त हुई, तमाम लोगों ने उनके समर्थन में आवाज उठाई, उसके बाद उनका भव्य स्वागत होता है जब वो वापस आती है भारत, और फिर उसके बाद कयास लगाए जाते हैं कि क्या
अब उनका ये कदम राजनीति की ओर बढ़ सकता है। तो बिल्कुल सवाल अभी भी वही है, जब तक वो शामिल नहीं होती, जब तक वो कांग्रेस का परचम नहीं लहरा पाती, कांग्रेस का पटका नहीं पहनती, तब तक हम ये कयास लगा सकते हैं कि शामिल हो सकती है। मगर जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगी, एक बड़ी ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो सकती है। बिल्कुल जाहिर है कि रवि कहते हैं कि सियासत में जो सिंबल्स होते हैं, जो उसकी बहुत अहमियत होती है, जो पहचान या कुछ चिन्ह, कुछ निशान, तो ऐसे में जबकि हमने देखा था, जैसा जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि राहुल गांधी से दोनों ने मुलाकात की थी, हालांकि मुलाकात करने वाले तो और भी दूसरे ओलंपियंस थे जिन्होंने कामयाबी हासिल की थी, देश लौटे थे, राहुल गांधी से मुलाकात की थी, लेकिन राहुल गांधी से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की मुलाकात के साथ ही ये चर्चा तभी से बहुत ज्यादा जोर पकड़ गई थी कि ये क्या ये कांग्रेस से शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी से ये मुलाकात क्या यूं ही मुलाकात थी या फिर सच में ये एक राजनीतिक मूव के तहत मुलाकात थी? देखिए साफ तौर पे अगर हम इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखें तो अबू इसके कुछ अलग ही मायने हैं, ये तस्वीर कुछ और ही बयान करती है। जिस तरीके से लगातार खबरें चल रही थी कि कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगी, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगी, मगर ऐसी कोई तस्वीर नहीं निकल कर सामने आई। मगर हाल में ही कुछ दिन पहले ही तस्वीर निकल कर सामने आई कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करती हैं, और जो तस्वीर है, जो बॉडी जेस्चर है, उस तस्वीर से ये बयान जरूर करता है कि कुछ तो होने वाला है और उसको बेसब्री से इंतजार किया जा सकता है। तो वो तस्वीरें कुछ साफ क्लियर होती हुई, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके कुछ अलग राजनीतिक मायने हो सकते हैं, शायद यही वजह है कि ये खबर चल रही है, सूत्रों ने हमें ये जानकारी भी दी है कि ये ज्वाइनिंग हो सकती है, यथासंभव ये हो सकता है कि ज्वाइनिंग आज ही हो, मल्लिका अर्जुन खड़गे ये ज्वाइनिंग करा सकते हैं, क्योंकि जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो अभी बैठकों में ज़्यादा व्यस्त हैं, शाम को सीईसी की बैठक भी है कांग्रेस की, तो देखना ये होगा कि उससे पहले होती है या फिर कोई और समय निर्धारित करती है कांग्रेस आलाकमान द्वारा, क्या जानकारी प्राप्त होती है। मगर ज्वाइनिंग यथास्थिति जो है ज्वाइनिंग की, वो आज संभव होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहे, खबर काफी अहम, इस पर हम आपसे और चर्चा करेंगे फिलहाल।